पंजाब की जेलों में नशे की एंट्री होगी बंद। मान सरकार ने उठाया ये बड़ा कदम। पंजाब की जेलों में लगेंगे AI कैमरा। पंजाब की मान सरकार हमेशा ही कुछ नया करने में विश्वास रखती है, जिससे प्रदेश में अमन और शांति बनी रहे। वहीं पंजाब की जेलों से नशा और मोबाइल फोन मिलने के मामले रोकने के लिए सरकार अब जेलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI कैमरे लगाएगी। बता दें कि कैमरे लग जाने के बाद जेल या फिर कैदी की बैरक के पास कोई भी संदिग्ध गतिविधि होने पर तुरंत ही अधिकारियों के पास एक अलर्ट पहुंच जाएगा। इसके साथ ही जेल में आने जाने वालों का फुल बॉडी स्कैन किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि कैदियों पर इस तरह की निगरानी करने वाला पंजाब देश का दूसरा राज्य होगा। इससे पहले गुजरात की वडोदरा की जेल में कैदियों पर निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने के लिए इस तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। पंजाब पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन की ओर से पंजाब की 8 जेलों में अब इस पर काम भी चल रहा है। आपको बता दें कि यदि जेल परिसर या बैरक के बाहर से या आसपास से कोई भी सामान अंदर फेंका जाता है तो तुरंत अलार्म बज उठेगा। इससे जेल के हर कैदी पर नजर रखने में आसानी होगी। हाल ही में पंजाब पुलिस की ओर से हाईकोर्ट में एक हलफनामा दिया गया था। इसमें पंजाब जेल पुलिस प्रबंधन ने बताया था कि प्रदेश की सभी जेलों में तय संख्या से ज्यादा कैदी बंद हैं। पंजाब जेल पुलिस प्रशासन ने AI तकनीक युक्त कैमरे और बॉडी स्कैनर इंस्टॉल करने के लिए टेंडर जारी कर दिए हैं। फरवरी के मिड तक टेंडर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद इंस्टॉलेशन का काम शुरू हो जाएगा। पंजाब की प्रमुख जेलों में AI कैमरे और बॉडी स्कैनर इंस्टॉल करने में 4 से 5 महीने का समय लगेगा। गुजरात के बाद पंजाब की जेल में अब कोई व्यक्ति नशा मोबाइल या अन्य प्रतिबंधित सामान छिपाकर ना ले जा सके, इसके लिए अब जेलों में एक्सरे बेस्ड फुल बॉडी स्कैनर और अन्य उपकरण लगाए जाएंगे। पंजाब की जेलों में नई सुरक्षा व्यवस्था अपनाए जाने को लेकर 7 फरवरी को पंजाब पुलिस को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में प्रोग्रेस रिपोर्ट भी देनी है। लुधियाना में नई जेल बना रही पंजाब पुलिस। पंजाब पुलिस लुधियाना में नई हाई सिक्योरिटी जेल बनाने जा रही है। इसका काम भी शुरू हो गया है। यह जेल लुधियाना के गांव गोरसिया कादर बख्श में बनाई जाएगी। इसमें अपराधियों को स्पेशल बैरकों में रखा जाएगा। जेल में बंद कैदियों की सुनवाई भी जेल से होगी। इसके लिए जेल में तकनीक युक्त चैम्बर बनाए जा रहे हैं। एक साल में मिले थे 4,716 मोबाइल फोन। पंजाब की अलग अलग जेलों से खासकर प्रदेश में भगवंत सिंह मान की सरकार बनने के बाद से जेल में समय समय पर चलाए गए सर्च ऑपरेशन के दौरान हजारों की संख्या में मोबाइल फोन बरामद हुए। साल 2022 से 23 में 4,716 मोबाइल फोन बरामद हुए थे। फिरोजपुर जेल से बीते साल 500 से अधिक मोबाइल फोन बरामद किए गए थे। इनमें से 2 मोबाइल फोन ऐसे हैं जिनमें 43,000 के करीब कॉल की गई थी।